कैसे सभी लोग हम हैं एग्ज़ामपुर कलम से क्रांति एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जल्दी से सभी लोग आ जाइए सेशन को सभी लोग शेयर करें जुड़ जाइए फटाफट से और धुआंधार सवाल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहाँ से केमिकल काइनेटिक्स से ठीक है तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं और पहला सवाल स्क्रीन पर आ गया है तो जल्दी से सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए पहला सवाल क्या पूछता है आपसे देखिएगा एक बार क्या कहता है पहला सवाल तो पहला सवाल कह रहा है बेटा कि हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो दिया है कितना 1386 सेकंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बताइए रिएक्शन का क्या होगा ठीक है हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ आपको गिवन है 1386 सेकंड ओके क्या पूछा है आपसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसको कहते हैं के को कहते हैं ओके okay. और ये आपके पास क्या है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बता दो फटाफट से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है रिलेशन टी हाफ किसके बराबर होता है 0.693 अपॉन के के बराबर होता है किसके बराबर होता है टी हाफ टीहाफ बराबर होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के के तो बस कुछ नहीं करना टी हाफ आपको दिया है वन थ्री एट सिक्स सेकेंड ठीक है यहां से के निकाल लो तो के आपका किसके बराबर हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन वन थ्री एट सिक्स किसके बराबर हो जाएगा टी हाफ टी हाफ बराबर के किसके बराबर हो जाएगा टी हाफ की वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से सॉल्व करके क्या आएगा आंसर फटाफट से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा अगर मैं इसको लिख दू वन अपॉन पॉइंट को हटा दू और मैं इसको कर दू थाउजेंड तो बेटा ये क्या हो जाएगा ये टू से चला जाएगा वन बाई टू हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इन टू की पावर माइनस थ्री और जो कि आपको नजर आ रहा है कहा फोर्थ ऑप्शन में तो जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स ये इसके अंदर आपका जाएगा आंसर तो फर्स्ट का होगा फोर्थ बहुत ही बढ़िया जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करो लाइक like करो अपने दोस्तों को बुलाओ और पहला सवाल जो है आंसर जाएगा डी ऑप्शन चलते हैं अगले की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है स्क्रीन पर और दूसरा सवाल स्क्रीन पर आपके लिए आ चुका है क्या कहता है सवाल देखिएगा जरा तो सवाल कहता है कि इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्या दी है आपको एन टू ओ फाइव जो है वो आपको दे रहा है टू एनओ टू एन टू ओ फाइव टू एन ओ टू ठीक है ये दिया है एन टू ओ फाइव ठीक है क्या दिया है टू एन ओ टू प्लस हाफ ओ टू गैस ओके वैल्यू ऑफ ठीक है रेट ऑफ दिया है रेट ऑफ डिसनस डी बाई डी टी एन टू ओ फाइव आपको दिया है बेटा कितना दिया है सिक्स पॉइंट टू फाइव टेन की पावर माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड ओके okay, ठीक है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनोटू और ओ टू भी दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो टू और of of O2. है? ये आपसे जो है पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनोटू और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू पूछा है अगर इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मैं लिखूं बेटा तो मैं क्या लिखूंगी इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताओ जरा क्या होगी तो माइनस डी बाई डी टी एन टू ओ फाइव बराबर होगा किसके ये प्लस में आएगा वन बाय टू डी बाय डी टी ऑफ एन ओ टू और ये किसके बराबर होगा तो वन अपॉन वन बाय टू करोगे तो टू हो जाएगा ऊपर डी बाई डी टी ऑफ ओ टू तो आपका माई, ये जो है इसके बराबर हो गया और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है इंटू 10 की पावर 3. तो दी दी टी टू क्या हो जाएगा? उधर जाकर इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू उधर जाकर बच्चा इसकी वैल्यू से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो बारह दशमलव पांच जीरो इंटू टेन की पावर माइनस थ्री तो क्या आ जाएगा आपके पास 1.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर माइनस टू आप उसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर माइनस टू नेक्स्ट में बताइए क्या आप लिखेंगे जल्दी बोलो बेटा अगले में क्या लिखेंगे फटाफट से जल्दी बताओ बच्चा फटाफट से नेक्स्ट बताइए बोलिएगा बेटा तो ये आपके पास आ गया किसके लिए तो ये आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया किसका एन टू का अब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका बताना है ऑक्सीजन का बताना है तो रेट ऑफ ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन क्या होगा इस वैल्यू का वन बाय टू कर दीजिए तो ये जो वैल्यू है इसको टू से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा करो डिवाइड तो थ्री पॉइंट क्या आएगा थ्री पॉइंट वन टू फाइव तो ये आपको नजर आ रहा है बेटा किसमें थर्ड ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है तो ये आपका जाएगा किसमें ऑप्शन थ्री में ये आपका किसमें जाने वाला है ऑप्शन थ्री तो सी जिस ने भी दिया है सबका जवाब सही है तो थर्ड ऑप्शन जिस का भी आंसर है उनका है करेक्ट चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेटा दिया है और इनिशियल रेट दिया है साथ में ओके okay. तो काइनेटिक्स जो है इस इक्वेशन के आपको दी है टू ए प्लस बी गिव सी प्लस डी ये 2a plus b गिव्स c plus d है ओके और ये रिजल्ट आपको मिला है अलग-अलग कंसेंट्रेशन पे आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d दिया है मतलब आपको रेट दिया गया है रिएक्शन का ओके तो रेट को हम किसके बराबर लिखते हैं बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं रेट बराबर के कंसेंट्रेशन ऑफ a की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर बीटा यही होती है हमारे पास वेग व्यंजक समीकरण रेट लॉ एक्सप्रेशन यही होता है चलिए देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पर देखो अब हमें एक ऐसे पेयर्स अब इसमें देखो हमें अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए तो हम क्या करेंगे हम ऐसे पेयर्स बनाएंगे जहां पर अंदर की वैल्यूज कट हो जाए एक के लिए तो जैसे देखो अब इसमें हम ये वाला पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री है ओके चलो करो अब सेकेंड वाला और थर्ड वाला रेट लो एक्सप्रेशन लिखो और उसको डिवाइड कर दो तो रेट दिया है कितना सेवन पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस टू और इसके लिए दिया है 2.88 पॉइंट एट की पावर माइनस वन ओके और ये किसके बराबर हो जाएगा ठीक है किसकी कंसेंट्रेशन इसकी 0.3 की पावर अल्फा है ना के तो कैंसिल ही हो जाएगा 0.3 की पावर अल्फा और 0.2 की पावर बीटा 0.2 की पावर बीटा इधर हो जाएगा 0.3 की पावर अल्फा और 0.4 की पावर बीटा तो ये कैंसिल हो गया बोलो बच्चों कैंसिल हो गया अब यहां से क्या हम बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं ये आ गया वन अपॉन टू की पावर बीटा और इसको सॉल्व कर लो माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेवन पॉइंट टू अपॉन है ना तो 10 की पावर माइनस वन होगा नीचे चला जाएगा 10 तो ये 28.8 आ गया तो ये जाएगा 1 बाय फोर से तो इसको मैं 1 बाय टू का स्क्वायर लिख सकती हूँ ये हो जाएगा 1 बाय टू की पावर बीटा इसका मतलब बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2 आ गई बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2 इसका मतलब यहाँ पर रेट लो एक्सप्रेशन में जहां बी की पावर टू है वो आपका हो सकता है ठीक है तो सेकेंड और थर्ड यहाँ से चला गया सेकेंड और थर्ड यहाँ से बच्चा चला गया ठीक है अब आपको बीटा की वैल्यू पता चल गई अब आपको किसकी वैल्यू पता चल गई बच्चों अब आपको बीटा की जो है वैल्यू पता चल चुकी है ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तो यहां पर क्या कोई ऐसा है जो सेम है बिल्कुल है ये जीरो पॉइंट पॉइंट वन सेम होगा तो हम क्या करेंगे हम वन अपॉन फोर करेंगे तो इसका रेट लिखो क्या है सिक्सटी इंटू टेन की पावर माइनस थ्री बराबर लिखो जीरो पॉइंट वन की पावर अल्फा जीरो पॉइंट वन की पावर बीटा नेक्स्ट चलो फोर्थ में क्या है 2.40 पॉइंट फोर की पावर माइनस टू और ये किसके बराबर हो जाएगा 0.4 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा ठीक है 0.1 की पावर बीटा ओके okay, बच्चा अब ये दो, ये दो जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा ये जो है आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ओके okay? तो अब ये अल्फा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं तो वन अपॉन फोर की पावर अल्फा किसके बराबर आ जाएगा देखो जरा किसके बराबर आएगा वन अपॉन फोर की पावर अल्फा इसको पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए और अगर मैं इसको लिख चलो सॉल्व ही कर लेते हैं इसको 2.4 पॉइंट फोर ही रखिए टेन की पावर माइनस थ्री और माइनस टू तो ये क्या हो गया टेन की पावर माइनस वन आ गया और ये क्या है आपके पास 2.40 है ठीक है टेन की पावर माइनस वन आएगा इसको नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा सिक्सटी अपॉन ट्वेंटी फ़ोर सिक्सटी अपॉन क्या मिलेगा बेटा सिक्सटी अपॉन ट्वेंटी फ़ोर मिलेगा सॉल्व करो जरा इसको क्या लिख सकते हो क्या लिख सकते हो इसको ज़रा सॉल्व करो तो वन अपोन फोर की पावर अल्फा है अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये टेन आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा टेन आ जाएगा और फोर आ जाएगा ठीक है तो अगर बेटा ये वन अपोन फोर होता तब तो हम क्या कर सकते थे अल्फा की वैल्यू हमारी वन आ जाती तो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्या है वो मिस्टेक ये है कि यहां पर आपका ये जो वैल्यू दी हुई है ये सिक्सटी नहीं होनी चाहिए थी ये सिक्स होनी चाहिए थी ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पर है ओके जो अगर ये वैल्यू यहां पर सिक्स होती बेटा तो फिर क्या हो जाता ये तो हमारा अल्फा जो है वो वन आ जाता और हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन चला जाता फर्स्ट ऑप्शन चला जाता इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो इसको सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थ्री कर लो जब आप इसको सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थ्री करेंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी किसके बराबर आ जाएगी आपके अल्फा की वैल्यू वन आ जाएगी और बीटा आपका टू निकल चुका है फर्स्ट एक्सप्रेशन इसमें आपका आंसर चला जाएगा तो थर्ड का आपका जाने वाला है फर्स्ट नेक्स्ट देखो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ईए एन्थैल्पी ऑफ रिएक्शन दी है डेल्टा एच अच्छा ईए जो है आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ठीक है और डेल्टा एच जो है बच्चा वो आपका क्या दिया हुआ है यहां पर इंथेल्पी ऑफ रिएक्शन ये आपका बेटा दिया है इंथेल्पी ऑफ रिएक्शन ठीक है दोनों ही किलोजूल मोल में है तो अब ये रिलेशन आपसे पूछता है एंडोथर्मिक के लिए तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ई ए क्या होगी देखो बेटा एंडोथर्मिक के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो एक्जो का ग्राफ कैसा होता है ऐसा होता है और एंडो का ग्राफ कैसा होता है है ना जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रिएक्ट सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो और रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो है ना वही होता है एंडो उसी में एब्सॉर्शन ऑफ एनर्जी हुआ होगा अब ये जो पर्टिकुलर ग्राफ हमने बनाया इसके अंदर बेटा ये यहां पे हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पर प्रोडक्ट है ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी थी और इतनी एनर्जी हमें चाहिए थी उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ओके तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रही इसके अंदर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रही ये हमारी ई ए रही ठीक है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी थी तो ये जो डिफरेंस आएगा ये वाला ये जो डिफरेंस है यहां पर ये ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको डेल्टा एच को तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर डेल्टा एच जो है इसके अंदर वो आपका छोटा है किससे एक्टिवेशन एनर्जी से तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ईए के ऊपर आपसे कमेंट कराया है तो ये आपका किसके बराबर होगा यहाँ पर इक्वल टू डेल्टा एच होगा तो नहीं लेस देन देन डेल्टा 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 एच 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 होगा 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 नहीं जीरो हो नहीं इक्वल टू किसके बराबर मोर एच। एच तो इतना है और ये देखो कितना है ये थी रिएक्टेंट की पहुंचाना यहां तक तो इतनी सप्लाई करनी पड़ी ये हमारी संकीर्ण ऊर्जा थी ये एक्टिवेशन एनर्जी तो इसके अंदर हमारा जो ई है वो इससे बड़ा रहने वाला है डेल्टा एच से तो इसमें हमारा आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा बच्चा कौन सा जाएगा इसमें जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन ओके ठीक है तो चौथा जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसके अंदर आपका क्या होगा करेक्ट होगा फोर्थ ऑप्शन आपका जो है सही होने वाला है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं ये आपको दी हुई है रिएक्शन टू ए प्लस बी गिव थ्री सी प्लस डी ठीक है तो इनमें से कौन सा रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं करता है रिएक्शन आपको दी है टू ए प्लस बी गिवस थ्री सी प्लस डी इनमें से कौन सा एक्सप्रेस नहीं करेगा रिएक्शन के रेट को टू ए प्लस बी D थ्री सी प्लस डी है ना ठीक है तो इनमें से कौन सा रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस नहीं करेगा ये बताइए तो चलो पहले लिखते हैं रेट को कैसे लिख सकते हैं तो माइनस वन बाई टू डी बाई डी टी ऑफ ए रिएक्टेंट ए की टर्म्स में हम लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ बी इधर लिख सकते हैं बेटा वन बाई थ्री डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ सी और यहाँ लिख सकते हैं डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ डी ठीक है तो माइनस वन बाई टू डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ ए माइनस डी d डी डी बाई डी टी बी वन बाई थ्री डी बाई डी टी सी और डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ डी ओके okay? तो अब यहां पर देख लो कौन सा जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है माइनस वन बाय टू मैच कर रहा है तो ये हो सकता है वन बाय थ्री पॉजिटिव मैच कर रहा है हो सकता है माइनस डी बाय डी टी बी भी, भी हो सकता है लेकिन क्या माइनस डी बाय डी टी है ना माइनस डी बाय डी टी डी होगा नहीं डी आपका प्रोडक्ट है तो वो आपका कैसा होगा बच्चा पॉजिटिव होगा उसका हम रेट ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे ना कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन तो फोर्थ वाला इसके अंदर आपका नहीं होने वाला है सही है फटाफट से बता दो समझ आया यहां तक चीजें जल्दी बोलो बेटा फटाफट से क्लियर है यहां तक तो जो भी दे रहे हैं फोर्थ उनका सही है ठीक है उनका सही है उनका सही है चलिए नेक्स्ट देखो कंसिडर द रिएक्शन एन टू प्लस थ्री एच टू गिवस टू अमोनिया ये रिएक्शन दी हुई है एन टू प्लस ठीक है ओके चलिए देखते हैं तो क्या होगा बच्चा क्या दिया है आपको रिलेशनशिप पूछा है बिटवीन डी बाय डी टी ऑफ अमोनिया और डी बाय डी टी ऑफ एच टू चलो देखते हैं लिखो माइनस डी बाय डी टी एन टू ये हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री डी बाय डी टी ऑफ एच टू हो जाएगा बच्चा आपका वन बाय टू डी बाय डी टी ऑफ एन एच थ्री ओके देखो जरा देखिए जरा अब क्या होगी सिचुएशन यहां पर d by dt of ऑफ अमोनिया और d by dt of ऑफ इनके बीच में रिलेशन पूछा है तो कौन से वाला यहाँ पर जो है सही होगा देखो d by dt of ऑफ अमोनिया की वैल्यू पूछी है तो d by dt of ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा बेटा इस 2 को इधर ले आओ तो ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री डी बाई डी टी ऑफ एच टू के बराबर हो जाएगा जो आपको थर्ड ऑप्शन में नजर आ रहा है तो तीसरा जिस जिसने भी दिया है जिसका भी आंसर आया है थर्ड करेक्ट है नेक्स्ट देखो रिएक्शन दी हुई है आपको हाइड्रोजन और आयोडीन मोनोक्लोराइड के बीच में ठीक है चलो पहले हिंदी वाले देख लो ठीक है हाइड्रोजन और आयोडीन मोनोक्लोराइड के बीच में बेटा ये रिएक्शन दी है H2 टू प्लस टू क्या दिया है 2 HCl सी एल प्लस ओके ठीक है अब इसमें दो मैकेनिज्म दिए हैं। पहले मैकेनिज्म में आपको क्या दिया है बेटा इस रिएक्शन के लिए। फर्स्ट मैकेनिज्म में आपको कहता है कि मैकेनिज्म ए जो है वो ये बात कहता है कि ये रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में हो जाएगी। H2 plus 2 ICL gives 2 HCl plus I2 है ना ऐसा जो है फर्स्ट है. है? है कि दो स्टेप में रिएक्शन होगी जिसमें आपका ये वाला जो है होगा जिसमें आपका ये वाला स्लो स्टेप होगा सेकंड मैकेनिज्म के हिसाब से अगर ये आर डी एस है रेट तो हमारा रेट क्या होना चाहिए रेट बराबर के कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू की पावर वन और आई सी एल की पावर वन होना चाहिए ये होना चाहिए इस मैकेनिज्म के हिसाब से क्योंकि यहां तो रेट को यही वाला स्टेप जो है डिसाइड करने वाला है है ना मैकेनिज्म बी के हिसाब से लेकिन हमें जो दिया है वो हमें क्या दिया है ठीक है हमें जो रिएक्शन दी है वो ये दी है और हमें क्या बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ठीक है और आईसीएल H2 और आईसीएल के रिस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर है ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2 और ICl तो बेटा सेकंड मैकेनिज्म के हिसाब से जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो भी तो यही कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2 और ICl इसका मतलब जो सेकंड मैकेनिज्म है यहां पर वो हमारा इस रिएक्शन के लिए सटीक होगा फर्स्ट मैकेनिज्म से नहीं ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जाएगी सेकंड से जाएगी तो विच ऑफ मैकेनिज्म कंसिस्टेंट होगा इस इंफॉर्मेशन से तो ये हमारे पास आएगा मैकेनिज्म बी क्योंकि जो उसने बताया कि H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर ICL के रिस्पेक्ट में भी वो हमें मैकेनिज्म बी से पता चल रहा है वहां पर जो स्लो स्टेप है जो रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप है वो हमें दिखा रहा है कि H2 और ICL का जो है ऑर्डर कितना है वन वन ही होगा ओके okay? तो इसमें हमारा जाएगा फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट देखो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A गिव्स B. K जो है यहाँ पर रेट कांस्टेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो है जीरो पॉइंट फाइव मोलर तो हाफ लाइफ बताइएगा क्या होगी टी हाफ बताइए टी हाफ क्या होगी है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जहां पर के जो है वो क्या है रेट कांस्टेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ये आपको दी है 0.5 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर है ना और क्या दिया है आपको रेट कांस्टेंट दिया है ठीक है तो हाफ लाइफ पूछा है हाफ लाइफ पूछा है आपसे अच्छा के भी आपको सेम ही दिया है के भी आपको यही दिया है 0.5 दिया है ना के रेट कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों ही इतना है ठीक है के भी आपका कितना है इतना ही है 0.5 ही है ओके okay. तो टी हाफ आपका किसके बराबर होगा 0.693 पॉइंट अपॉन के के बराबर होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना

हाफ़ लाइफ किसके बराबर होगा यहाँ पर तो हाफ लाइफ आपका यहाँ पर बराबर होगा एल एन टू बाय के किसके बराबर होगा एल एन टू बाय के क्यों क्योंकि ये जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के के बराबर होगा एल एन टू को आप लिख सकते हैं टू पॉइंट थ्री जीरो टू लॉग टू और टू पॉइंट थ्री जीरो टू लॉग टू को सॉल्व कर लो लॉग टू होगा कितना वन पॉइंट फोर वन फोर इसको मल्टीप्लाई कर लो यहां पर तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चा कितना आ जाएगा 2.302 ठीक है लॉग टू की वैल्यू होती लॉग टू की वैल्यू होती है आपकी जीरो पॉइंट वन पॉइंट नहीं होती वन पॉइंट फोर तो अंडर रूट टू की होती है लॉग टू की वैल्यू होती है आपकी जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ज़ीरो गलत लिख दिया बेटा ये आपका यहाँ पर करेक्ट कर लो इसको ये आपका बेटा यहाँ पर होगी जीरो पॉइंट थ्री जीरो गलती से रूट टू के लिख दिया तो टू पॉइंट थ्री जीरो ऑप्शन इसके अंदर जो है आपका सही है वो लेना देना किसी का नहीं था वो बस आपसे फॉर्मूला पूछ रहा था वहां पर आपको कोई वैल्यू पुट नहीं करनी थी नेक्स्ट देखो सिक्सटी परसेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कंप्लीट हुई है साठ मिनट में ओके परसेंट कंप्लीशन जो है रिएक्शन का उसके लिए 60 मिनट लगे ओके ठीक है उसके बाद पूछा है 50% प्रतिशत ये रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी टी हाफ पूछा है टी हाफ किसके बराबर है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के के बराबर इसका मतलब हम के अगर निकाल ले, तो ये किसके बराबर होता है K बराबर, 1 by t log, A A के बराबर वन बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए के बराबर कंसंट्रेशन एट टाइम टी ठीक है साठ प्रतिशत रिएक्शन कंप्लीट हुई है कितना साठ मिनट में तो यहां पर लिख लो वन बाई सिक्सटी साठ प्रतिशत खत्म हो गई कंप्लीट हो गई तो अगर हंड्रेड लिया था तो कितना बच गया होगा चालीस हंड्रेड लिया था तो कितना बच गया होगा फोर्टी सॉल्व कर लो लॉग फाइव बाई टू आ गया ठीक है सोल्व करो इसको तो वन बाय सिक्सटी लॉग फाइव माइनस लॉग टू लॉग फाइव कितना दिया है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन माइनस है ना लॉग टू की वैल्यू क्या होगी लॉग टू की वैल्यू क्या होगी बच्चा यहां पर जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री नाइन कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री नाइन और इसको डिवाइड करिए किससे सिक्सटी से ये आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू किस में आएगी मिनट इनवर्स में आएगी किस में आएगी बच्चा ये वैल्यू मिनट इनवर्स में सॉल्व करो इसको फटाफट से जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री के हो गया जीरो पॉइंट थ्री नाइन है ना और अपो ये सिक्सटी ऊपर चला जाएगा इसको सॉल्व करिए सॉल्व करिए इसको ठीक है और बताइए क्या होगी वैल्यू अब देखो कितना आएगा ये इसको सॉल्व करो कितना आएगा बच्चा ये आपके पास कितना आया है सिक्सटी आया है कुछ गड़बड़ हुई है सिक्सटी परसेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन सिक्सटी मिनट्स ठीक है तो सिक्सटी परसेंट कंप्लीट हो गई हंड्रेड था इनिशियल कितना बचा फोर्टी बचा ठीक है ओके okay. तो ये फाइव बाई टू आया तो वन बाई सिक्सटी और ये आपका जाएगा लॉग फाइव माइनस लॉग टू तो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो नाइन तो जीरो पॉइंट थ्री नाइन अपॉन सिक्सटी आ गया के ठीक है ठीक है और ये आपका जाएगा हाफ कितना होगा जीरो नाइन थ्री अपॉन के होगा तो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन जीरो पॉइंट थ्री नाइन आंसर तो सही आना चाहिए लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा इस सिचुएशन के हिसाब से या तो डेटा में कुछ गड़बड़ है ठीक है तो यहाँ पर बेटा आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये भी आपका वन पॉइंट समथिंग आएगा और वन पॉइंट समथिंग आएगा तो सिक्सटी से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आपकी आएगी तो यहाँ पर आपको कोई भी साठ मिनट से ऊपर बड़ी वाली वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही है तो साठ अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 60 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो 50 प्रतिशत को कंप्लीट होने के लिए ठीक है कितना वक्त लगेगा तो इसमें जो है आपका जो टी हाफ जाएगा ठीक है तो ए नॉट बाय ए टी सब सही किया है 60 मिनट सब ठीक है बेटा इस सिचुएशन के हिसाब से आपका आंसर इससे बड़ा आना चाहिए बट इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो जो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है इसमें आपके ऑप्शंस पर ठीक है गड़बड़ है ओके आपका कोई भी ऑप्शन पर मैच नहीं करेगा नेक्स्ट देखो रिएक्शन दी है एन टू प्लस थ्री एच टू टू अमोनिया इसमें आपको डी बाई डी टी अमोनिया दिया है ठीक है माइनस डी बाई डी टी एच टू क्या होगा ये पूछा है ओके एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू अमोनिया माइनस डी बाय डी टी माइनस वन बाय थ्री डी बाय डी टी ऑफ एच टू वन बाय टू डी बाय डी टी ऑफ अमोनिया ओके तो माइनस डी बाय डी टी ऑफ एच टू बताइए क्या होगा दिया क्या है आपको डी बाय डी टी ऑफ अमोनिया दिया है तो d माइनस डी बाई डी टी ऑफ एच टू आपका होने वाला है थ्री बाई टू डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया तो जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है d बाई डी टी ऑफ अमोनिया की उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्री बाई टू से तो ये हो जाएगा थ्री इन टेन की पावर कर लो सॉल्व इसको डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया आपको दिया है टू इंटू टेन की पावर डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया आपको दिया है टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर और इसको आपको किससे करना पड़ेगा पूछा क्या है आपसे माइनस डी बाई डी टी ऑफ एच टू थ्री को उधर लेकर जाओ तो ये आ जाएगा थ्री बाय टू तो थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर इसमें आपका जाएगा थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर मोल पर लीटर पर सेकेंड ठीक है इसमें भी आपका फिर से जो है ऑप्शन में गड़बड़ी है ये जो है आपका थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर कर लो बेटा इसको ये सारे माइनस फोर ही है ठीक है ये टू लिखा है इसको सही कर लो प्रिंटिंग मिस्टेक है सेकेंड ऑप्शन जाएगा थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा अगला देखो एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट ठीक है ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ए की उसको डबल कर दिया जाए ठीक है अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट जो है डबल हो जाता है ओके तो मैं रेट को इस तरीके से लिख सकती हूं ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा इसको डबल करने से रेट भी डबल ही हो रहा है इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या रही होगी वन रही होगी ए की वैल्यू इसका मतलब वन है तो ये दोनों तो गए दोनों एक्सप्रेशन गलत है इसका मतलब अगला देखो ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देर इज अ चेंज बाय फैक्टर ऑफ एट ओके देखो इसको डबल करने से तो रेट टू टाइम्स होता है इसका मतलब इसको डबल करने से रेट फोर टाइम्स हो रहा है तभी तो आठ गुना बढ़ा तभी तो आठ गुना बढ़ा देखो पहले एक्सप्रेशन के हिसाब से इसको डबल किया तो रेट डबल हुआ तो ये ये डबल हुई तो रेट डबल हुआ होगा अब इसको डबल करने से चार गुना रेट हुआ इसीलिए तो आठ गुना हुआ है ना ओवरऑल दोनों का इफेक्ट तो इसका मतलब बीटा हमारा कितना है बेटा टू है इसका मतलब बीटा हमारा कितना है टू है तो वन और टू वाला जो है हमारा सही है थर्ड ऑप्शन तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है तीसरे में हमारा क्या होगा बच्चा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अंदर जो है क्या होगा करेक्ट होगा ओके okay? तो ऑप्शन थ्री यहां पर हमारा जाएगा करेक्ट ठीक है तो इसमें आएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट देखो BrO3 माइनस ठीक है प्लस फाइव बी आर माइनस प्लस सिक्स एच प्लस प्लस थ्री बी आर टू ठीक है इसको ये बीच में जो है एरो बी आर ओ थ्री माइनस प्लस फाइव बी आर माइनस प्लस सिक्स एच प्लस गिव्स थ्री बी आर टू प्लस थ्री एच टू ओ ये आपके पास यहाँ पर रिएक्शन है रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ब्रोमीन जो है उसको रिलेट किया है रेट ऑफ डिस ऑफ ब्रोमाइड से तो कैसे होगा चलो लिखते हैं तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड और रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ब्रोमीन इनके बीच में रिलेशन बताना है लिखो इसको क्या लिख सकते हो माइनस वन बाय फाइव डी डी टी ऑफ बी आर माइनस इसको क्या लिख सकते हो बेटा वन बाई थ्री डी बाई डी टी ऑफ बी आर टू है ना माइनस वन बाई थ्री डी बाई डी टी ऑफ बी आर माइनस और उसको क्या लिखोगे डी बाई डी टी माइनस वन बाई फाइव डी बाई डी टी ऑफ बी आर माइनस और ये हो जाएगा वन बाई थ्री डी बाई डी टी ऑफ बी आर टू ओके अब डी बाई डी टी ऑफ बी आर टू का रिलेशन पूछा है तो इसको इधर ले जाओ माइनस थ्री बाय फाइव डी बाई डी टी ऑफ बी आर माइनस तो माइनस थ्री बाई फाइव डी बाई डी टी ऑफ बी आर माइनस जहां भी दिया है ऑप्शन बी में दिया है कहाँ दिया है ऑप्शन बी में दिया है तो बी इसके अंदर आपका सटीक जवाब होने वाला है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आपका जाएगा ऑप्शन बी वेरी गुड तो जिस का आ रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है ना जिस जिसका भी जा रहा है बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन उनका सबका बिल्कुल सही है अगला देखो ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड 0.01 पॉइंट जीरो वन मोलल एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स ओके चौबीस घंटे के बाद ठीक है चौबीस घंटे के बाद कितना चाहिए जीरो पॉइंट जीरो वन इतना है ना हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटांस की वो छह घंटा है टी हाफ है उसका सिक्स आर ओके इंजेक्शन ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी ठीक है पूछा है रेडियो एक्टिव सब्सटांस का तो मैक्सिमम एक्टिविटी ठीक है रेडियो एक्टिव सब्सटांस की कितनी दी जा सकती है ये आपसे यहां पर पूछा गया तो ये रेडियो एक्टिविटी का सवाल है आपके सिलेबस का नहीं है अगला देखो वेन ए बायो केमिकल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन लेबोरेटरी आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन एबसेंस ऑफ एंजाइम तो रेट ऑफ रियाक्शन जो है वो कितना मिला टेन की पावर माइनस सिक्स टाइम्स मिला तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रियाक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो एंजाइम क्या करता है रिएक्शन को स्पीड अप करता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का काम करेगा क्योंकि वो किसका काम करता है उत्प्रेरक का कैटलिस्ट का काम करता है कौन एंजाइम तो एंजाइम आपका अगर कैटलिस्ट का काम करेगा तो बेटा फिर ये क्या होगा यहाँ पर तो डिफरेंट जो है आपको एंजाइम की प्रेजेंस में है ना जब उसको लेबोरेटरी में करोगे आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी ठीक है अब कैटलिस्ट की एबसेंस में आपका क्या रहने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफर कर गया है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में जो थी वो डिफरेंट रही होगी है ना अगर एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी देखोगे तो वो डिफरेंट रही होगी और विदाउट एंजाइम जो है वो क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी क्योंकि कैटलिस्ट तो उसको घटाने का काम करता है तो वहां पर कम रहेगी एंजाइम के प्रेजेंस में विदाउट एंजाइम अगर आउटसाइड द बॉडी रिएक्शन को कराओगे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो थर्ड ऑप्शन जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है संक्रियण ऊर्जा है विदाउट एंजाइम अगर आप इस रिएक्शन को कराएंगे तो वो आपकी बच्चा क्या हो जाएगी डिफरेंट आपकी इस केस में होगी चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल थ्री रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इज इक्वल टू क्या पूछा है आपसे माइनस वन बाई थ्री डी बाई डी टी ऑफ ए वन बाई टू डी बाई डी टी ऑफ बी है ना तो डी बाई डी टी ऑफ बी किसके बराबर हो गया माइनस टू बाय थ्री डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस टू बाई थ्री डी बाई डी टी ऑफ ए तो ये आपका जाएगा कौन सा ऑप्शन सेकंड ये आपका कौन सा जाएगा ऑप्शन सेकंड जाएगा तो माइनस टू बाय थ्री डी बाई डी टी ऑफ ए जो है इसके अंदर आपका सही जवाब होगा नेक्स्ट देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी ठीक है कब तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए के रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ई रेट एट एनी ऑफ बी एंड सी रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ कंसन ऑफ बी इज इंक्रीज टू डबल तो देखो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो बेटा रेट कैसे लिखा जाएगा रेट बराबर के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो ऐसे ही लिखोगे रेट बराबर के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो ऐसे ही लिखेंगे बच्चा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा रेट किसकी रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कंसेंट्रेशन ऑफ ए ए की कोई भी कंसंट्रेशन हो कोई भी सांद्रता हो जो आपका रेट है वो क्या रहने वाला है सेम ही रहने वाला है जो आपका रेट है बच्चा वो क्या रहने वाला है इस केस में रेट आपका इस केस में सेम रहने वाला है बताओ जरा थम्सअप के साथ समझ आ गया फटाफट से बोलो फटाफट से बोलिएगा जल्दी से थम्सअप के साथ कंफर्म करिए समझ आ गया बोलिएगा जल्दी से यहां तक चीजें क्लियर है